नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है बहराइच से, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर मुरादाबाद में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश पनप उठा है। जनपद बहराइच में तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव पर लगे मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि जिस तरह तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाकर अखिलेश यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसे तत्काल वापस लिए जाएं। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि योगी सरकार में लगातार विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, यह बदले की राजनीति कतई ठीक नहीं है। न्यूज नाइन भारत के लिए अनस तारिक की खास रिपोर्ट। मैं नंदेश्वर नंद यादव, निवर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। आज हम सभी नौजवान साथियों, हम सभी लोग माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर जो योगी आदित्यनाथ द्वारा साजिशन मुकदमा लिखाया गया है उसके विरोध में आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका है और योगी जी को शर्म आना चाहिए। मेरे ऊपर भी दर्जनों मुकदमे लिखे हैं भारतीय जनता पार्टी के साजिश के चलते। अगर इस लोकतंत्र में अगर प्रदर्शन करना गुनाह है और अगर सही बात बोलना अगर गुनाह है तो फिर ऐसा कैसे लोकतंत्र चलेगा। इसलिए बाबा जी को शर्म करना चाहिए, ये फर्जी मुकदमे लिखाना बंद कराएं और चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जब उत्तर प्रदेश का सिंहासन उनसे नहीं संभल रहा है, लगातार हत्या बलात्कार का दौर चल रहा है, ऐसे में वो बौखला गए हैं और उन्हें केवल समाजवादियों से डर लगता है। उनका सिंहासन डोल रहा है इसलिए वो फर्जी तरीके से मुकदमे लिखा रहे हैं। योगी पापा फर्जी मुकदमे लिखाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।